कक्षा 11 के छात्र ध्यान देंगे। पाठ हिंदी आरओ के अंदर दूसरा पाठ है मीराबाई मीरा, और इनके जो बोल हैं वो इस तरह से हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। दूसरा जो पद है पग घुंघरू बांध मीरा नाचिरे। तो देखिए यहाँ पे मीराबाई की पदावली परशुराम चतुर्वेदी द्वारा रचित है। मीरा का परिचय आप देखेंगे तो कवित्री का परिचय इस प्रकार से देंगे कि मध्य सगुण भक्ति काव्यधारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री का जन्म विक्रम संवत 1555 कुड़की गांव मारवाड़ रियासत में हुआ था। बचपन से ही मीरा की माता का देहांत हो जाने से इनका लालन पालन इनके दादा राव दूधाजी के पास मेड़ता में हुआ था। जिस समय मीरा का जन्म हुआ था वहाँ राजपूतों के संघर्ष का काल था, मतलब राजपूती रियासतें जो है साम्राज्य के लिए आपस में लड़ती थी। इनके पिता रतन सिंह प्राय युद्ध क्षेत्र में रहा करते थे, इसलिए इनकी शिक्षा का समुचित प्रबंध नहीं हो सका। मीराबाई बाल्यावस्था से ही कृष्ण की प्रेम भक्ति में मग्न रहती थी। इनका मीराबाई का विवाह महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था, लेकिन कुछ ही वर्षों में भोजराज का अकस्मात निधन हो गया। तब मीरा ने अपने आराध्य को ही अपना सर्वस्व मानकर अर्थात श्री कृष्ण को ही सर्वस्व मानकर उनकी भक्ति में लोक लाज त्याग कर तथा राणा परिवार के प्रतिबंधों से मुक्त होकर गृह का त्याग कर दिया। घर बार छोड़ करके वृंदावन आदि स्थानों पर कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। इनका जीवनांत 1603 में माना जाता है। तो मीरा जो है ये आप इसमें मीराबाई का जो है परिचय भी देख रहे हैं कि सन 1498 कुड़की गांव मारवाड़ रियासत। इनकी प्रमुख रचनाएं जो है मीरा पदावली नरसी जीरो मायरो और 1546 के अंदर इनको कोई 1603 में मानता है, मतलब 1498 में जन्म और कोई दूसरी पुस्तकों में बताते हैं 1555 में, लेकिन इस पुस्तक के अंदर आपने बताया कि 1498 में इनका जन्म कुड़की गांव में हुआ था, 1546 में का समय इनका माना जाता है। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति करती थी, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रही। अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गई। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई। उन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया, पर्दा प्रथा का पालन नहीं किया। उस समय पर्दा प्रथा मौजूद थी समाज में, राजपूत स्त्रियों को जो है पर्दे के अंदर ही रहना पड़ता था, तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद, जिसे सत्संग कहा जाता था, से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चयी थी। निंदा या बंदगी उनको अपने पद से विचलित नहीं कर पाई। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया। इस अर्थ में उस युग में जहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहाँ मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर उभरी। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। कला का अभाव ही उसकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्तज्ञ पदों की रचना की। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है तथा कहीं कहीं ब्रजभाषा का प्रभाव भी दिखाई देता है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। वे बार बार कहती हैं कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं, न शत्रु न मित्र। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपने अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कह रही है।
दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली से अवतरित हैं, अर्थात लिए गए हैं। पहले पद के अंदर है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छांड दियो कुल की कानी कहा करिए कोई, संतन डिग बेटी बेटी लोक लाज खोई, अंशुअन जल जल सींची सींची प्रेम बेली बोयो बोई, अब ते बेली फैल गई आनंद फल होई, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई, दधी मत ग्रत काट लियो डारी दियो छोई, भक्त देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाज गिरधर तारो अब मोई। देखिए कितना अच्छा पद जो है इसमें मीराबाई की जो है मीराबाई के पद से लिया गया है कि मेरो तो गिरधर गोपाल, गिरधर अर्थात जिसने गिरिराज पर्वत को धारण किया कौन थे, गोपाल, गिरधर गोपाल यानी श्री कृष्ण, अन्य दूसरा और इस संसार में कोई भी नहीं है। तो मीराबाई ने जहाँ पे यही कहा है कि संसार में केवल गिरधारी अर्थात कृष्ण ही हैं, अन्य मेरा अपना इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मेरा पति तो केवल वही है, मतलब यहाँ पे जिनके जाके सिर मोर मुकुट अर्थात जिनके सिर के ऊपर मोर के पंख का बना हुआ मुकुट सुशोभित है उनके लिए, छांडी दियो मेरो पति सोई अर्थात वे ही मेरे पति हैं। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि मीराबाई के पति ने भी उनका त्याग कर दिया, छोड़ गए, अब वो बेचारे अकेली है। तो यहाँ पे कहने का भाव यह है कि अब श्री कृष्ण उनके, तो उनकी जो भक्ति भावना है वो प्रतीत होता है कि उन्होंने श्री कृष्ण पति भाव की उनकी भक्ति है उनके लिए। मैंने कहते हैं कि छांड देई कुल की कहानी कहा करियो कोई, उनके लिए मैंने तो कुल की मर्यादाएं भी छोड़ दी हैं, कुल की मर्यादा थी ना कि अंदर पर्दे में रहना, उसको भी अब मैंने छोड़ दिया, अब मेरा कौन क्या करेगा, कहा करियो कोई, अब मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है, कौन क्या करेगा। फिर आगे वाले लाइन में कह रहे, संतन दिख बैठी बैठी यानी संतों के साथ बैठ बैठ करके जो कुल की मर्यादा थी लोक लज्जा थी वो भी मैंने उसका भी त्याग कर दिया यानी खुद ही त्याग कर दिया। मैंने अपनी अंशुवन जल सींची सींची प्रेम बेली अर्थात मैंने अपने आंसुओं के जल से जो प्रेम रूपी बेल को लगाया उसे अपने आंसुओं से सींच कर ही परिपुष्ट किया है, मतलब आंसुओं से सींच करके उसको पुष्ट कर दिया है। अब तो वह प्रेम रूपी बेल जो है बढ़ फैल गई है, मतलब जो मैंने श्री कृष्ण की जो भक्ति की है वो उसका प्रभाव सर्वत्र दिखाई देने लगा है, अर्थात वो अब पल्लवित होने हो गई है, फलने फूलने लगी है। इसमें अब जो है अंशुवन से बेल बोई, अब तो बेली भई आनंद फल होयो, अब तो अर्थात मुझे इसमें आनंद की प्रतीति होने लगी, अर्थात अब मुझे अब इसमें आनंद ही आनंद आने लगा है, आनंद रूपी जो है इसमें अब फल लगने लगा है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, यहाँ पे मैंने दूध जमाने के पात्र को बड़े प्रेम से बिलोया, जैसे अब यहाँ पे दूध जमाने के पात्र क्या है, मैंने ईश्वर की भक्ति जो है बड़ी प्रेम से जो है की है, तथा उसमें जो डारी ये दधी मतिगत काढ़ी जैसे दही को मत करके और उसे घृत यानी घी निकाला जाता है, डारी दही छोई, तो यहाँ पे यानी जमे हुए दही को मत करके कृष्ण के प्रेम रूपी मक्खन या घी मैंने उसमें से क्या कर लिया है, मतलब जो घी निकाल लिया, मतलब इस प्रेम रूपी जो भक्ति की है कृष्ण की उसमें से मैंने अमृत को निकाल लिया था, घी को निकाल लिया, और शेष क्या रह गई, छाछ छछेड़ा जिसको कहते हैं, सारहीन वस्तु को छोड़ दिया, मतलब जो गुण थे वो मैंने अपना लिए और अवगुण थे उनको सबको छोड़ दिया है। भक्त देखी राजी हुई अर्थात इस संसार के जो इस असार निष्फल वस्तुओं का मैंने त्याग कर भक्त देख ही राजी हुई यानी भक्तों को देख करके मैं बड़ी प्रसन्न हुई, जगत देख ही रोई, इस संसार के अंदर जो असार जो निष्फल वस्तुएं हैं उनको देख करके मैं अब रो पड़ती हूँ, संसार के व्यवहार को देखकर मुझे दुख होता है और उस संसार के लोग जैसा मेरे साथ व्यवहार करते हैं, यानी वहाँ पे जो राणा जो परिवार था मारवाड़ का रियासत थी वहाँ पर श्री कृष्ण से मतलब
मीराबाई से कोई भी प्रेम से बात नहीं करता, तो यहाँ पे मीराबाई जो है अपना दुख प्रकट करती है, संसार के लोगों को देख करके मुझे अत्यंत दुख होता है और मैं रो पड़ती हूँ। तो यहाँ पे दास मीरा लाल गिरधर, हे श्री कृष्ण, मैं आपके यहाँ पे मैं तो आपकी दासी हूँ, सेविका हूँ, कृपा करके आप मुझे मेरा अब उद्धार करो और मुझे तारो अब मोही, अर्थात संसार रूपी से मेरी नैया पार लगाओ, अर्थात मेरा उद्धार करो। ये पहले पद के अंदर जो है मीराबाई ने कही है। तो आपको ये बात समझ में आ गई है, समझ में आ गई होगी कि मीराबाई जो है श्री कृष्ण के लिए सर्वस्व न्योछावर कर देती है, लोकलाज जो कुल की मर्यादाएं सब छोड़ करके जो साधु संतों के साथ बैठ करके जो भजन भाव करती है उसके लिए कह रही है कि यहाँ पे मैंने जो है उन जो कुल की मर्यादाएं उन सबको परित्याग कर दिया, और जो मैंने जो दूध दही जो दूध से दही जमा करके मैंने उसमें से अमृत रूपी फल अर्थात घी को मतलब निकाल लिया, मतलब मुझे अब श्री कृष्ण की भक्ति का मर्म समझ में आ गया, ये बात कहना चाहती है। और अंत में ये कह रहे दासी मीरा लाल गिरधर, था मीरा बाई तो श्री कृष्ण की दासी है, सेविका है, और यहाँ पे तारो अब मोई, हे कृष्ण आप मेरा इस संसार से वो उद्धार कर दो। दूसरा जो पद है उसमें आप देखोगे कि मीरा बाई कहती है पग घुंघरू बांध मीरा नाचिरे, मैं तो मेरे नारायण सो आप ही हो गई सांची रे। तो मीरा अपने आराध्य कृष्ण से यहाँ पे निवेदन ये कहना चाह रही है कि हे प्रभु तुम्हारी ये दासी अपने पैरों में घुंघरू बांध कर आपके प्रेम में नाचने भी लगी है, नाच उठिए। मीरा आगे कहती है मैं तो नारायण सु आप ही हो गई सांची, मतलब कि अपने आराध्य कृष्ण की मैं अपने आप ही दासी हो गई। लोग मीरा की इस मानसिक स्थिति को देखकर कहते हैं कि मीरा जो है लोग कहे मीरा भई बावरी, लोग कहने लग गए हैं कि मीरा जो है पागल हो गई है या उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। न्यात कहे कुलनासी, न्यात कहते हैं सास वगैरह जो होती हैं परिवार की बिरादरी के लोग कह दो, यहाँ पे नात नाती नाती होते हैं ना घर के, मतलब उनके बिरादरी जाति बिरादरी के लोग जो है मुझे कलंकिनी कुल की नाशिनी कहती हैं, कलंकिनी कहती हैं। विष इसीलिए विष का प्याला राणा जी भेजा, राणा भेजा मतलब उनके पति ने जो है मीराबाई को मारने के लिए, अर्थात मीराबाई कहते हैं कि मुझे मारने के लिए जो है राणा ने जो है कुल के विपरीत आचरण करते हुए मुझे मारने के लिए जहर का प्याला भेजा। उस प्याले को पीवत मीरा सिरे, मीराबाई कहते हैं कि मैंने उसे हंसते हुए पी गई। तो मेरे जो श्री कृष्ण थे उनकी कृपा से मुझ पर उस जहर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और मैं हंसी हंसी उसे पी गई। मीरा की प्रभु गिरधर नागर, मीराबाई कहते हैं मेरे तो कौन हैं श्री गिरधर प्रभु यानी श्री कृष्ण ही हैं, मुझे सहज ही उस अविनाशी सहज मिले अविनाशी, मतलब सहज यानी आसानी से मुझे उनके दर्शन उपलब्ध हो गए हैं, प्रभु के दर्शन जो है मुझे मेरे लिए सुलभ हो गए हैं। तो यहाँ पे मीराबाई के देखो पद में आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मीराबाई जो है ये कहना चाह रही है कि अब ये ऊपर आपने पहले पद के अंदर देखा है, दूसरे पद के अंदर मीराबाई ने ये स्पष्ट कर दिया कि अब जो है उनको अब परवाह नहीं रही, मतलब कुल की किसी की भी, अब जो है अपने वो नारायण अपने श्री कृष्ण की जो है उन्हीं की हो गई है और यही बात सत्य है। कोई मीरा को पागल कहने लगते हैं और जो रिश्ते नाती जो रिश्तेदार इत्यादि हैं वो भी मीरा को लिए कहती हैं कि मीरा जो है बावरी यानी पागल हो गई है, इस जो इस प्रकार जो है कुल की मर्यादा के अनुकूल आचरण नहीं कर रही है। इसी से दुखी होकर के राणा जी ने जो है उनके पति ने उनके मारने के लिए कुल की लाज बचाने के लिए जो है जहर का प्याला भर कर भेजा, लेकिन मीरा उसको हंसते हुए पी गई। यहाँ पे कहते हैं कि मेरे तो श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं और वह मुझे सहज यानी सरलता से प्राप्त हो गए हैं। अविनाशी सहज मिले अविनाशी, अविनाशी का मतलब जिनका कभी विनाश नहीं, वो श्री कृष्ण हैं, अर्जर अमर हैं, वो मुझे सहज ही प्राप्त हो गए। ये आपका जो है पाठ का भावार्थ पहला और दूसरा पद दोनों पद हो गए हैं, और इसके जो आप प्रश्न उत्तर देखेंगे वो इस प्रकार से हैं, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि मीराबाई जो है श्री कृष्ण की समर्पित भावना यानी पत्नी के रूप में करती है, वह स्वयं को पूर्ण रूपेण समर्पिता पत्नी मानती है, श्री कृष्ण को अपना पति मानती है। उनका मानना है कि कृष्ण के अलावा इस संसार में उसका कोई भी रिश्ते संबंधी रिश्तेदार संबंधी सगा नहीं है, वह अपने आराध्य के
पति को रूप में रूप को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मेरे तो गिरधार गोपाल दूसरों ने कोई, जहाँ के सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इससे यही प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण की जो है मीराबाई ने जो है श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया, अपना पति जो भी आप कह सकते हैं। भाव शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कर देंगे। भाव शिल्प सौंदर्य अनसुवर जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब ते बेली फैल गई आनंद फल हुई। तो इसका भावार्थ है भाव सौंदर्य इस प्रकार के, इसमें भाव भक्ति अपने चरम पर, मीरा का प्रेम आंसू से सींच सींच कर पल्लवित हुआ, मीरा का प्रेम आंसू से सींच सींच करके जो है ये फला फूला है, अब मीरा को इसमें आनंद आने लगा है, ये भाव है इसका। तो शिल्प सौंदर्य में आप लिखेंगे कि राजस्थानी मिश्रित भाषा ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है, भाषा सरल है, भाव अनुकूल है और गुणों से परिपूरित है, ये इसका शिल्प सौंदर्य हो गया। दूसरा पद जो है दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मत गद काट लियो डारी दही छोड़ी। तो यहाँ पे भी जो है वही है दूध की मथनियाँ, दूध की मथनी मतलब भाव सौंदर्य है, श्री कृष्ण की भक्ति को मक्खन के समान महत्वपूर्ण मानकर प्राप्त कर लिया और सांसारिक सुख को छाछ के समान मतलब व्यर्थ असार तत्व समझ कर त्याग दिया। मीरा ने भक्ति रूपी अलौकिक आनंद प्राप्त कर लिया। शिल्प सौंदर्य आप इसमें लिखोगे कि अन्योक्ति अलंकार का कुशलता से प्रयोग हुआ है, यहाँ दही जीवन का प्रतीक है, घृत भक्ति का प्रतीक है, घृत का मतलब घी होता है लेकिन यहाँ पर भक्ति का प्रतीक है, तथा छोई यानी छोड़ दी आसार संसार का प्रतीक मतलब एक इस संसार रूपी संसार को जो है मैंने त्याग दिया है। शिल्प सौंदर्य वही लिखते हुए इस भाव सौंदर्य हो गया, इसको शिल्प सौंदर्य में आपको बताएंगे, आप बताएंगे कि इसमें वही अन्योक्ति अलंकार है और यहाँ दही का जीवन का प्रतीक है, दही किसका जीवन का प्रतीक है और घृत भक्ति का प्रतीक, और छोई का है आसार संसार का प्रतीक। लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं, बहुत सीधा सा आंसर है तीसरे प्रश्न के अंदर, मीरा को लोग जो है बावरी क्यों कहते हैं, तो आप उसका ये बताएंगे कि मीरा के लिए ये कहना चाहते हैं मीरा बावरी हो गई, क्यों गई, क्योंकि मीरा कृष्ण के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गई, वह उनकी भक्ति में इतनी डूब चुकी है कि राणा परिवार की मर्यादा और संसार के लोगों की निंदा सामाजिक प्रतिबंध आदि की उसे जरा भी परवाह नहीं है, और लोक लज्जा को भी यानी कुल की जो लज्जा है उसको भी छोड़ दिया है। विष का प्याला राणा जी भेजा पीवत मीरा से, इसमें क्या व्यंग छिपा है, इसमें व्यंग यह है कि कुटुंब के जो लोग परिवार के जो लोग हैं उन पर व्यंग करती हुई कहती हैं कि उसकी भक्ति भावना में पाप अनुभव करते हैं, मतलब उनको जो तरह तरह की बातें जो मीराबाई के बारे में सोचते हैं, उन्हें कृष्ण के प्रति प्रेम में लज्जा आती है, इसलिए राणा ने उन्हें जान से मारने के लिए विष का जहर, विष का मतलब यहाँ पे जहर का जो बर्तन भर करके भेजा, मीरा ने उसे भी स्वीकार कर लिया, विष प्यारे को हंसते हंसते पी गई। उन्होंने अपने जो स्वजन संबंधी जनों द्वारा किए गए अपमान को भी पी लिया, लेकिन भक्ति पद से नहीं डिगरता, उसने श्री कृष्ण की भक्ति का त्याग नहीं किया। लोग कहे पांचवा जो क्वेश्चन है वो देखो, ये शब्द छवि आप कर लेंगे, चार क्वेश्चन हो गए इसके अंदर, और उसके बाद में ये चार क्वेश्चन हैं, पांचवा क्वेश्चन जो है आगे देखेंगे इसमें क्या है, ये हो गए आपके, ये आप शब्दार्थ इसमें से कर लेंगे शब्द छवि, और ये भी है क्वेश्चन क्या है, मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है, तो आप कहोगे क्योंकि वह जगत के सारे सुख भोगों का आसार समझती है, लोग यहाँ मोह माया और विषयों के जाल में फंसकर जीवन की सार्थकता को निरता प्रदान करते रहते हैं, पर आप छोड़ उसको छोड़ देंगे और आप इसके भावार्थ शब्दार्थ कर लेंगे। शब्दार्थ के बाद में जो है ये आपके हो गए न्यात कुटुंब के लोग कुलनाशी कुल का नाश करने वाली विष विष पीवत यानी पीती हुई हंसी यानी हंस पड़ी सहजन स्वाभाविक रूप से अनायास, वैसे ही आपके ऊपर दिए हैं कान यानी मर्यादा डीग यानी साथ बैठ करके बेल यानी प्रेम की बेल बिलोई यानी मथी छोई यानी छाछ सारी नंस यानी घी और छाछ के छानने के बाद में जो अवशेष निकलता है उसको कहते हैं आप ही अपने आप ही बिना प्रयास के साँच यानी सच्ची। इस प्रकार ये आपका पाठ पूरा हो गया, आप इसको समझ लेंगे, मैंने अच्छे से समझा दिया है और आप इसको याद करेंगे होमवर्क में कर लेंगे और
क्लास में जांच कराएंगे।